शहर के मुस्लिम समुदाय की सहूलियत और उनके विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बेहतर व्यासपीठ हेतु प्रशासन से पिछले काफी समय से बेलापुर और एरोली मतदार संघ में मौलाना अबुल कलाम आजाद भवन की मांग करने वाले नवी मुंबई के सर्वपक्षीय मुस्लिम शिष्टमंडल ने हाल ही में एनसीपी प्रदेश सचिव संजीव नाइक और अप्रभाग समिति सदस्य अफसर इमाम के नेतृत्व में महापौर जयवंत सुतार से मुलाकात कर उन्हें इस विषय से जुड़ा निवेदन सुपुर्द किया, जहां इस अवसर पर उनके साथ नगर सेवक और मुस्लिम समुदाय के नेतागण भी मौजूद थे। इस दौरान महापौर ने उन्हें आगामी अर्थ संकल्प बजट में उक्त भवन को लेकर प्रावधान करने का भरोसा दिलाया। नई मुंबई शहर ये सर्व जाति धर्माचं आहे आणि ह्या नई मुंबई शहरामध्ये त्या समाजाच्या थोर राष्ट्रीय जे नेते मंडळी होती त्यांची स्मारक होणं ही अवश्य बाब आहे। यापूर्वी अण्णाभाऊ साठे स्मारक त्या ठिकाणी उभं राहिलेलं आहे, त्याच पद्धतीनं या नवी मुंबई शहरामध्ये मुस्लिम समाजाचे जे बांधव आहेत त्यांनी संपूर्ण मागणी केलेली आहे। आमचे प्रभाग समितीचे सदस्य अफसर इमाम यांच्या नेतृत्वाखाली की मौलाना आझाद स्मारक बेलापूर आणि ऐरोली मतदारसंघामध्ये भावा यांनी केलेले आहे, मागणी केलेली, त्या मागणीनुसार येत्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याची तरतूद करून तशा पद्धतीची शिडकोकडनं भूखंडाची मागणी करून कारवाई करण्याचे निर्देश त्या ठिकाणी करण्यात येते। आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहेब यांनी गेल्या 20 वर्षाच्या कालखंडामध्ये सर्व समाजाला एकत्रित घेऊन काम करण्याचा संकेत बांधलेले आहे आणि त्याचे स्मारक व्हावं हा सुद्धा त्यांचा उद्देश आहे आणि त्यांनी त्या पद्धतीनं गाईडलाईन दिलेले आहेत। त्या पद्धतीनं अण्णाभाऊ साठे स्मारक ज्या पद्धतीनं झालं त्याच पद्धतीनं मौलाना आझाद स्मारकसुद्धा त्या ठिकाणी होईल। वहीं अप्रभाग समिति सदस्य अफसर इमाम ने उक्त भवन की शहर में मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी ज़रूरत बताया। देखिए एक्चुअल में ये बहुत पुराना मांग है और आपको ये जो मुद्दा है हम लोगों ने पहली बार इस तरह का डिसीजन लिया कि हम लोग अलग अलग पार्टी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप के हिसाब से प्रोग्राम करते आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है आपको देखते होंगे कि अपने पास कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं इरफान भाई, निज़ाम भाई उपाध्यक्ष हैं, सैयद पीर है, उसके बाद आपको शिवसेना के भी हैं, बाकी और हमारे डॉक्टर साहब है, स्कूल के बहुत काजी साहब है, सब मिला करके हम लोगों ने हर एक पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके हम लोग डिमांड रखा है। अपना मकसद ये है, जो मेरा मकसद वो इनका मकसद है। तो हमने महापौर साहब को निवेदन दिया तो महापौर साहब ने ऐसा हमको आश्वासन दिया कि इस तरह का भी जो है प्रावधान होना चाहिए और मैं इस बार आपको बजट में रखूँगा, मैं बजट में उसको पास करूँगा, मैं उसके बाद उसका आगे का प्रोसीजर करूँगा मैं। ओके, अपना डिमांड ऐसा है कि नवी मुंबई में क्या है कि हमारे मुस्लिम समाज के बहुत सारे तादाद है और एक भी अभी तक कम्युनिटी सेंटर बेलापुर से लेकर एरोली के बीच में नहीं है। हम लोग अपना अगर कुछ शैक्षणिक या आपको एजुकेशनल कुछ काम करते हैं या मान लो कि हमारे घर में अगर हमारे शादी ब्याह का माहौल भी रहता है तो लोग क्या होता है कि लोग इस तरह का फिरका प्रस्ती वाला हिसाब किताब है कि भाई हम लोग वेज खाने वाले हैं, हम लोग नॉन वेज खाने वाले हैं, तो हम लोग जनरली हमारे समाज के लोग ज़्यादा नॉन वेज ही प्रेफर करते हैं तो उनको हॉल मिलने में थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो एक हॉल अगर मौलाना आज़ाद के नाम भवन उनके नाम पर हॉल के रूप में हम लोग को मिल जाता है तो निश्चित तौर पर हमारे साथ में इंसाफी हो जाएगा और हमारे समाज का भला होगा और हमें अपना इंडिपेंडेंटली काम करने में फ़ायदा होगा। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए थे। जो नवी मुंबई के जानकार लोग हैं, जो पार्टी में हैं हमारे समाज के लोग और अलग अलग पार्टी में बिलोंग करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि महापौर साहब को भी समझ में आ चुका कि भाई सारे लोगों की ज़रूरत है और हमारे नेता गणेश जी नाइक साहब का भी ख्वाहिश है कि भाई यहाँ पर हर धर्म के लोगों को फ़ायदा हुआ है तो मुस्लिम समाज को क्यों नहीं, मुस्लिम समाज को भी होना चाहिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग का काम इस बार जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।